भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुतला दहन करते हुए भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी, आप देख सकते हैं कि भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनेश्वर महतो जी अपने आवास पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन कर रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आज रात्रि 5 अप्रैल 9 बजे सर ये बताइए कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आप पुतला जो दहन कर रहे हैं उसका मूल कारण बताएं सर। पुतला दहन करने का प्रमुख कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं। पहले चाइना से हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस को लाया गया और अब थाली बजवा रहे हैं, कभी दिया जलवा रहे हैं, क्या इससे कोरोना वायरस भाग जाएगा? आज समूचा देश लॉकडाउन है, घरों में पैक है, गरीब आदमी मजदूर आदमी भूख से कितने मर चुके हैं, इसके ऊपर मोदी जी को बोलना चाहिए तो देश की भोली भाली जनता को बहकाने का काम माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या होगी? सर हमारे देश को पूरे देशवासी जो है 125 करोड़ आदमी, उनको बोला गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि 5 अप्रैल रात के 9 बजे सब दीप मोमबत्ती टॉर्च जो है मोदी जी का पुतला दहन, यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी उनका भी पुतला दहन किए हैं। योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन करने का मुख्य उद्देश्य है कि इन्होंने कहा था कि जितने भी बिहार के लोग हैं गाजियाबाद बॉर्डर पे आए उनको घर भेजने का हम काम करेंगे, लेकिन बिहार के लोगों के साथ क्या व्यवहार हुआ पूरा भारत ने देखा। माननीय नीतीश कुमार जी का मैंने पुतला इसलिए दहन किया है कि ये नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 1 महीने का हम सबको फ्री में राशन देंगे, 1000-1000 रुपया देंगे, 3 महीने का वृद्धा पेंशन सबको देंगे एडवांस में। क्या मिल गया? नहीं मिला ना, तो क्यों नहीं पुतला दहन करें? जरूर करेंगे, ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। जिस दिन भारत की जनता जाग जाएगी, ऐसी घटिया राजनीति करने वालों को पहचान जाएगी, उस दिन मोदी जैसे नेताओं का देश में कोई काम नहीं रहेगा। क्योंकि मोदी जी ने अभी तक ये 7 साल मोदी जी का जा रहा है, लेकिन इस देश की जनता को क्या दिया है? जुमले के अलावा कुछ दिया है? विकास का मुद्दा लेके आए थे चुनाव लड़े, पहली बार 15-15 लाख दिया, महंगाई कम करने का वादा किया, क्या कहते हैं 2 करोड़ प्रत्येक साल नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया, क्या दे दिया मोदी जी ने नौजवानों को रोजगार? सर मैं ये देश सुरक्षित हाथों में है यही कहा था 2014 के ये 19 के चुनाव में ना, तो क्या ये देश सुरक्षित हाथों के अंदर है? आज खुद आप फैसला करिए, क्या ये देश सुरक्षित हाथों के अंदर है? आज उन गरीब मजदूरों के विषय में मोदी जी क्यों नहीं बोले 2 लाख टीवी पे जब आए? ये क्यों नहीं कहा कि जो भूख से मर रहे हैं मैं उनको खाना देने का काम करूंगा, जो डेली बेसिस पे मजदूरी करते हैं बिहार के लोग, जो दिल्ली पंजाब हरियाणा लुधियाना महाराष्ट्र तमाम जगह जाते हैं बिहार के लोग मजदूरी करने, उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री ने एक टिप्पणी क्यों नहीं की? करनी चाहिए,
और जो व्यक्ति गुजरात से पैदल चल के आ रहे थे भूखे, उन व्यक्तियों ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया। क्यों? वो बिहार के थे। इसलिए मोदी जी को अभी अरबों रुपया इन्होंने चंदा उद्योगपतियों से लिया है, तमाम नेताओं से लिया है, तमाम क्या कहते हैं फिल्म स्टारों से लिया है, लेकिन देश की जनता को क्या एक पैसा मोदी जी ने दिया है? नहीं। तो ये सब चीजें सोचना पड़ेगा देश की जनता को कि क्या मोदी जी की जनता तो एक एक मोदी जी के साथ पिछले 7 सालों से खड़ी है, लेकिन मोदी जी क्या इस देश की जनता के साथ खड़े हैं? नहीं खड़े हैं। इसीलिए आज हमने भारतीय मित्र पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय योगी आदित्यनाथ का पुतला फूका है। सर, दीप जलाने से, मोमबत्ती जलाने से और टॉर्च जलाने से क्या हमारे देश से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगी? आप यही तो देशवासियों को समझना है, क्या चीज का ये दीप जल रहा है? क्या विजय प्राप्त कर लिया? मदारी बैठ गया घर में, सारे बंदर देख लीजिए नजर आ रहे। मैं ये नहीं परवाह करता कभी कौन मेरे विषय में क्या सोचता है, कौन मेरे विषय में क्या बोलता है। जो सच्चाई है वो देश के आगे रख रहा हूं। मेरी बात लोगों को आज समझ में नहीं आ रही है, 5 साल बाद समझ में आएगी कि धनेश्वर महतो सही था और इस देश का जो आज प्रधानमंत्री है वो गलत था। ये अभी नहीं, 5 साल बाद समझ में आएगा, नौजवानों को समझ में आएगा, जब ये नौकरी के लिए दर 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 भटकेंगे, रोजगार के लिए दर 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 भटकेंगे और इनको रोजगार हमारे देश में नहीं मिलेगा, तब इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी है देशभक्ति का, भूत सवार है हिंदू मुसलमान का, लेकिन जब पेट में आग लगती है ना, काम में नहीं आती है और ना ही हिंदू मुसलमान काम में आएगा। उस टाइम में चाहिए होगा नौजवानों को रोजगार, गरीब आदमी को काम, क्योंकि काम रहेगा तो ही कुछ रहेगा, तभी देश भी हमारा तरक्की करेगा और दुनिया में नाम भी कमाएगा रोजगार के माध्यम से। सर, हमारे देश में जो कोरोना वायरस जो तेजी से बढ़ रहा है, उसके रोकने के वजह ये दीप मोमबत्ती ये तमाम चीज किया जा रहा है, इस पे सर आप क्या कहेंगे कि कोरोना वायरस? देखिए, कोरोना वायरस इस देश में आया तो उसका जिम्मेदार माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि हवाई जहाज अपने भारत से भेज के विदेश में, तब वहां से नागरिकों को लाया गया और बिना उसकी टेस्टिंग के उनको पूरे देश में छोड़ दिया गया। छोड़ दिया गया का मतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे भारत के अंदर कोरोना वायरस को फैलाने का काम किया। इसीलिए असली कोरोना वायरस माननीय प्रधानमंत्री को, मैं समझता हूं, इसीलिए मैंने उसका पुतला दहन किया। समूचा भारत आज भुगत रहा है। छोटा सा देश है हमारा नेपाल, उससे थोड़ा सबक ले लेते प्रधानमंत्री जी। चीन के 60 बगल में ही उस देश के सटा हुआ है ना, वहां कोरोना वायरस का प्रकोप क्यों नहीं है? छोटा सा मुल्क है। बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, वहां पे ऐसा प्रकोप क्यों नहीं है? लेकिन हमारे देश में इतने सारे विद्वान, उसके बाद कोरोना वायरस को हमने खुद चाइना से लाके निमंत्रण दिया। दिक्कत की बात क्या है कि प्रधानमंत्री जी किसी की सुनते नहीं, अमित शाह जी किसी की सुनते नहीं। ये जो 543 सांसद गए हैं ना लोकसभा के अंदर, उसके अंदर कभी ये बैठक नहीं करते, कभी कमिटियों का जो इनकी कमिटी है उसमें कभी ये राय मशवरा नहीं लेते। जो इनके दिमाग में आलतू फालतू आता है वो तुरंत जाते हैं टीवी चैनल के ऊपर और देश की जनता के ऊपर थोप देते हैं। ये दीप जलाने के लिए 2 दिन का समय दिया देश की जनता को, लेकिन जखनी ये कोरोना वायरस का कर्फ्यू लगाने की बात हुई तो मात्र 3 घंटा दिया, 4 घंटा मोदी जी ने। क्यों?
उसमें भी एक हफ्ते का समय देना चाहिए था कि जो व्यक्ति जहां जहां के हैं अपने अपने घरों को लौट जाइए, अपने अपने बाल बच्चों के पास लौट जाइए। हमारा अगला ये कदम था। क्यों? क्या देश की जनता इंसान नहीं है? क्या वो गरीब मजदूर इंसान नहीं है? आज वो अपने जो आज मेरे ही गांव में एक महिला स्वर्गवास हो गई है, उसका बच्चा आज दिल्ली के अंदर है। आज वो अपनी मां को आग देने तक के लिए नहीं यहां आ सकता है। क्यों? अभी मेरे भाई का सास 5 दिन पहले मर गई, मेरा भाई अपनी सास को देखने तक के लिए नहीं जा सका। क्यों? ये किसकी गलती है? ये नरेंद्र मोदी की गलती है। उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है आज, इसीलिए मैंने उसका पुतला जलाया है। मैं नहीं डरता। ज्यादा क्या करेगा नरेंद्र मोदी? मरवा देगा। अरे सबको जाना है, 2 दिन कोई आगे जाएगा, 2 दिन कोई पीछे जाएगा, लेकिन धनेश्वर महतो जब तक जिंदा है तब तक मैं देश की जनता का आंख खोलता रहूंगा और झूठ पे से पर्दा हटाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, और मां और श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि गोबर भक्तों को कम से कम बुद्धि दे दीजिए। जय हिंद। कैंसिल कर दिए, शेर वाला देखो तो। ये तुरी के।